बहुत अमीर बिजनेसमैन, और एक दिन वो शाम को घर जल्दी आ गया तो उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी भगवान बुद्ध को कुछ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है। वो बिजनेसमैन खुंदक में आया, बोला, बेशर्म साधु, एबल्ड बॉडी है तुम्हारी, ताकतवर हो, शरीर से हट्टे कट्टे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अपना राज्य साम्राज्य छोड़कर के आज भिक्षा मांग रहे हो? किसी काम के आदमी नहीं हो तुम। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और आगे चलने लगे। जब चलने लगे तो उस आदमी को और खुंदक आ गए। आग के अंदर घी डालने का काम किया भगवान की मुस्कुराहट ने, उसको और खुंदक आ गए। और खुंदक आई तो वो आदमी आगे आया और भगवान बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। भगवान बुद्ध ने उसकी थूक को साफ किया, फिर मुस्कुराए और आगे चल पड़े। वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना परेशान हो गया कि वो आदमी सरियात सो नहीं पाया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, ये सबसे बड़े संत हैं, तुमने गलत किया। अगले दिन जब भगवान बुद्ध की सभा के अंदर जाकर के सबके सामने उसने माफी मांगी, बोले, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कल गलती हो गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो आपको माफ नहीं कर सकता। आसपास के लोग हैरान, बोले, भगवान बुद्ध तो इतने क्षमाशील है, ये क्यों माफ नहीं कर रहे? तो भगवान उनसे दोबारा जब पूछा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम किस बात की माफी मांग रहे हो? बोले, कल मैंने आप पे थूक दिया। भगवान ने कहा, वो कल था और मैं कल को याद नहीं करता, मेरे लिए हर दिन।